इमरान खान के जो समर्थक इस्लामाबाद पहुंचे, उन्हें आर्मी ने खदेड़ दिया। जो समर्थक कंटेनर्स पर चढ़े, उन्हें धक्का मारकर गिरा दिया गया। वो देखें, वो रेंजर्स वालों ने वो पकड़ लिया उसे, वो नीचे गिरा रहे हैं। वो देखें, वो नीचे गिरा रहे हैं, वो रेंजर्स वालों ने नीचे। जिस कंटेनर में पीटीआई के नेता थे, उसे भी जला दिया गया। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल सका कि उस प्रदर्शन को लीड करने वाली बुशरा बीवी कहाँ है। बताया गया कि आधी रात को हुई कार्रवाई के बाद बुशरा बीबी खैबर पख्तूनवा के सीएम अली अमीन और अपने टॉप लीडर्स के साथ फरार हो गई। लेकिन बुशरा की बहन कह रही हैं कि वो किसी संकट में है। कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई, कुछ भी पता नहीं चल सका। केपीके में वो नहीं हो सकती, अगर वो खैरियत से होती और केपीके में होती तो वो ज़रूर फैमिली को किसी को मैसेज करती। उनको वहाँ से ज़बरदस्ती किडनैप करके या प्रखर के हटाया गया है। फिलहाल बुशरा कहाँ है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स में कहा गया कि प्रदर्शन को लेकर बुशरा ने इमरान की बात नहीं मानी थी। द डॉन में छपी रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले से कहा गया, इमरान ने भारी मन से अपने नेताओं से कहा कि वो एहतियात के तौर पर डी चौक से हट जाएं, लेकिन बुशरा बीबी ने बात नहीं मानी। वो इस जिद पर अड़ गईं कि इमरान उनसे वीडियो कॉल पर बात करें, लेकिन नेटवर्क में दिक्कत की वजह से बात नहीं हो पा रही थी। दावा है कि इसके बाद पीटीआई के दूसरे नेताओं की इच्छा के बगैर बुशरा ने पीटीआई समर्थकों को उकसाने वाला भाषण दिया था। और ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आखिरी औरत होंगी, खान को लिए बगैर डी चौक से नहीं निकलूंगी। कहा जा रहा है कि बुशरा के आक्रामक रवैये ने पीटीआई समर्थकों को उकसा दिया। इसके बाद वो किसी की नहीं सुन रहे थे। उग्र प्रदर्शन के बाद अब बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। धोंस धमकी के साथ मैं पहले दिन से कह रहा था कि कभी मुज़ाकरात नहीं होंगे, और उन्होंने वो धोंस धमकी करके देख भी ली, सारा पाकिस्तान अरबों रुपए का नुकसान करके देख भी लिया। पीटीआई के प्रदर्शन में पाकिस्तानी सेना के 4 रेंजर्स, कुछ पुलिस वालों की मौत हुई है। हो सकता है कि पीटीआई समर्थकों के उग्र प्रदर्शन का ठीकरा भी इमरान पर फोड़ दिया जाए, और पहले ही 150 से ज्यादा मामलों में जेल में बंद इमरान के मुश्किलें और बढ़ जाए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.